नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच जो कि सिडनी में खेला जा रहा है, द एशेज ट्रॉफी 2021 है। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग के बारे में। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में कुछ, इस प्रकार से उनका स्कोर रहा है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में। तो डेविड वॉर्नर 30 रन बनाए, 72 गेंद खेली, 6 चौके लगाए, 40 पॉइंट 6 की स्ट्राइक रेट थी, बोर्ड की गेंद से कोहली ने कैच थप्पड़ के आउट कर दिया। तो डेविड वॉर्नर 30 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद मार्कस हैरिस आया, 14 रन बनाए, 60 गेंद खेली, 1 चौका लगाए, 23 पॉइंट 3 स्ट्राइक रेट थी, 0 नॉट आउट है। उसके बाद मानुस बुक्स में आए, 0 गेंद खेली। इस तरह से अभी तक ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को, ऑस्ट्रेलिया टीम को 12 रन एक्स्ट्रा मिले, 56 रन बना के एक विकेट डेविड वॉर्नर का रूप में गया। अभी तक 21.4 ओवर खेले, रन रेट 2.58 की रन रेट चल रही है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से रहा आज ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अब इंग्लैंड के बॉलर की। तो इंग्लैंड के बॉलर कुछ कमाल इस प्रकार से रहे हैं। तो दोस्तों, आज जानते हैं उनका इंग्लैंड का बॉलर का कमाल कुछ इस प्रकार से रहा है। जानते हैं उनका स्कोर बोर्ड। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स एंडरसन की। उन्होंने अब तक 6 ओवर फेंके, 2 मदद निकाले, 12 रन दिए, उन्होंने कमेंडेड 2 रही। तो दोस्तों, हम बात करते हैं स्टर्ट बोर्ड की। 6 ओवर फेंके, 2 मदद निकाले, 14 रन दिए, एक विकेट लिया। डेविड कॉर्नर का 2 फुट 30 कमेंडेड की। दोस्तों, बात करते हैं बेन स्टोक्स की। उन्होंने 5 ओवर फेंके, 2 मदद निकाले, 18 रन दिए, 3.17 की बात करते हैं तो 4 ओवर फेंके, 2 मदद निकाले, 8 रन दिए, 2 कमेंडेड। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पिछले मैच की। तो तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की इंग्लैंड की खराब गेंदबाजी की वजह से, उनको हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, डेविड वॉर्नर ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, पहले भी इस बार भी अच्छी पारी खेलने का लय था। इस बार बारिश के कारण थोड़ा वो ग्राउंड में टिक नहीं पाए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पिछले मैच की। तो तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की इंग्लैंड की खराब गेंदबाजी की वजह से, उनको हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, डेविड वॉर्नर ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, पहले भी इस बार भी अच्छी पारी खेलने का लय था। इस बार बारिश के कारण थोड़ा वो ग्राउंड में टिक नहीं पाए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पिछले मैच की। तो तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की इंग्लैंड की खराब गेंदबाजी की वजह से, उनको हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, डेविड वॉर्नर ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, पहले भी इस बार भी अच्छी पारी खेलने का लय था। इस बार बारिश के कारण थोड़ा वो ग्राउंड में टिक नहीं पाए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पिछले मैच की। तो तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की इंग्लैंड की खराब गेंदबाजी की वजह से, उनको हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, डेविड वॉर्नर ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, पहले भी इस बार भी अच्छी पारी खेलने का लय था। इस बार बारिश के कारण थोड़ा वो ग्राउंड में टिक नहीं पाए।
प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।